results. उसकी भूली हुई बर्फ में तब्दील न्यूनतम तापमान -2 डिग्री रिकॉर्ड. न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु के नीचे कारों की छतों पर बर्फ ही बर्फ. सर्दी के कारण जनजीवन बहुत प्रभावित हुआ और वर्ष का सबसे ठंडा दिन 2022 का आज सबसे ठंडा दिन कहा जा सकता है, क्योंकि माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है. चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, जहां पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश के तमाम इलाकों में मौसम का मिजाज बदलता था, तो आज भी प्रदेश के कई इलाकों में मावठ की बारिश होती हुई नजर आ रही है और बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हो रही है. वहीं पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर प्रदेश के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है. उत्तर की तरफ से आ रही सर्द हवाओं की वजह से प्रदेश के कई इलाकों के तापमान में आज गिरावट नजर आ रही है. बात करें माउंट आबू में भी आज न्यूनतम तापमान 2 डिग्री है, जिसकी वजह से चारों तरफ ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील होती हुई नजर आ रही है और कारों की छतों और मैदानी इलाकों में बर्फ की मोटी परत देखने को मिल रही है. कड़ाके की सर्दी के बीच में पर्यटक इस सर्दी का आनंद लेते हुए नजर आ सकते हैं. इतना शानदार मौसम है कि फुल पैसा वसूल लग रहा है ठंड के दिन में. एक्चुअली हम लोग यहाँ से एक ऑफिशियल काम से आए थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि साथ साथ छुट्टियों का भी आनंद मिल रहा है. सुबह का क्या नज़ारा? सुबह का नज़ारा था यहाँ पे, सभी गाड़ियों के ऊपर जो जनरली ओस दिखती है, पानी की बूंदें, वो सब जम के बर्फ बन चुकी है और ऐसा दृश्य मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा. मौसम बहुत ठंडा है, एक्चुअली ठंडा तो होता ही है यहाँ पर बर्फ पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बर्फ का आनंद ले रहे हैं पूरा. हाँ, ये गरम गरम चाय गरम पानी वो पीते रहते हैं और बस एंजॉय करते हैं. हाँ, इस मौसम में आना चाहिए और सर्दी का पूरा मजा लेना चाहिए. अभी तो ये है कि सोने पे सुहागा है, तो बहुत ही आनंददायक है यहाँ पे वातावरण अभी, तो आना चाहिए सबको सैलानियों को. वहीं कड़ाके की सर्दी की वजह से सामान्य जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है. लोग सुबह के समय अलाव जलाकर सर्दी से बचने का जतन करते हुए देखे जा सकते हैं. बता दें कि प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के चलते लगातार तापमान में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है. कई जिलों में लगातार ओलावृष्टि और बारिश का कहर भी देखा जा रहा है. बेमौसम बारिश के चलते आम जनजीवन प्रभावित हो गया है. वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते लोगों को स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी सता रही है. बने रहिए हमारे साथ देश और समाज से जुड़ी हुई स्टोरीज को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर कंटेंट आप तक पहुंच सके. धन्यवाद.